हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट और अलग टाइप की वीडियो पे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम मक्का से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं, काबा सॉरी जो कि हमने पीछे अभी की है। काबा के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट भी किए हमने और भी एक दो वीडियो किए हैं काबा के ऊपर। बहुत अच्छी वीडियो है, हम काबा के बारे में और जान पा रहे हैं, नॉलेज ले पा रहे हैं। तो हमें बेसिकली, जैसे कि आप लोगों को पता है और हमें भी ये पता है कि काबा में कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, ठीक है, सिंपल बात है, ये तो हमें नॉलेज इतनी तो पता चल चुका है। बट हम आज वीडियो बना रहे हैं कि जब एक हिंदू आदमी मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो फिर क्या हुआ, देखो ये इस वाली वीडियो में। ये एक टाइटल है, छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, मतलब टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं जब हिंदू आदमी एक मक्का में गया तो हम देखना चाहते हैं बेसिकली वो क्यों गया है। बेसिकली जैसे हमें वजह पता है या और भी लोगों को पता है बहुत से को कि नॉन मुस्लिम का जाना मना है वहाँ पे, आपको मुस्लिम होना पड़ेगा जब जाना पड़ेगा। वैसे ये तो आपने हमने बहुत सी वीडियो में देख लिया है कि क्यों मना है, बट हम देखना चाहते हैं कि जब गए तो उनके साथ क्या हुआ, तो हम ये वाली वीडियो रिएक्शन कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले टाइम की और वीडियो के लिए, और हमारा न्यू चैनल पे मेकिंग ब्लॉपर चैनल का नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टॉप पे नई वीडियो हमने डाली है तो आप जाइए जाके देखिए प्लीज, और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो को। दोस्तों आज आपको कुछ ऐसा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते हुए तो आपको बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब आप इस मज़ेदार कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना के दीदार के लिए पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनकर मक्का मदीना जाने की हिम्मत तो की, ये जानते हुए भी कि वहाँ मुस्लिम के अलावा कोई और नहीं जा सकता। ऐसे में उन शख्स के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप देख सकें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए बहुत ही पाक साफ और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की तादाद में मुस्लिम लोग अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आते हैं। सऊदी अरेबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ पर हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पिछली वीडियो में हज के लिए आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं ज्यादातर लोग। दोस्तों इस्लाम में मक्का की सबसे पाक मानी जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये दोस्तों ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और सबसे खास बात तो ये है कि मक्का मदीना की इस पाक जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाज़त नहीं है, और यही चीज लोगों के बीच इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर कोई ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है, और कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, पर फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई तिकड़म चलाकर वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाया है। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनका हिसाब खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले ऐसे शख्स से जुड़े किस्से सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था और वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था,
और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। मुस्लिम दोस्त। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गया। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीक़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से इस्लाम धर्म को अपना बना चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश अपने घर केरला वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नज़दीक इस्लाम सबसे पाक और साफ मज़हब है और रमेश भी ये मानने लगा और उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदल कर मुजम्मिल रख लिया, वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दीदार करने हैं। ऐसे में दोस्तों, मुजम्मिल की ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदल कर मुजम्मिल बना था वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो आखिरी सांस मक्का मदीना की पाक जगह पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहाँ पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की ख्वाहिश जगी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उमराह के लिए चला गया। वो पहले मक्का गया और उमराह करने के बाद वो मदीना आया और वहाँ पर भी 2 दिन रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, तू अपने महबूब के सदक़े मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यही हो जाए, मैं इस बार यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। पर दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब वो नमाज अदा कर रहा था तभी वो सजदे पर गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई और वो उठ ना पाया। उसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। अब ये बात साफ होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो उसने रमेश की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगें तो वो आपको मिलता ही है, बस आपको अपने अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करे। बस ठीक यही चीज़ रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो मेरे दोस्तों, जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि उनके दिमाग की गलत फहमी दूर हो चुकी होगी। दोस्तों, याद रहे कि किसी को भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। सबको अपना धर्म अच्छा लगता है, इसलिए चाहिए कि किसी भी धर्म की बुराई आप ना करें और जो आपका धर्म है उसी पर चलें। अब दोस्तों, अगर किसी का मन किसी के धर्म को अपनाने का कर रहा है तो भला उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि हम सिर्फ एक मामूली इंसान हैं। हाँ, तो दोस्तों, जब भी हम आपके लिए कोई वाकयात इबरतनाक या किसी और तरह की वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो से आपका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन अफसोस, हमें दुख इस बात से होता है कि वीडियो को रात रात भर जाग कर पूरी मेहनत से बनाने के बावजूद आप वीडियो को या तो 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट या 1.5 मिनट तक ही देखते हैं। दोस्तों, याद रखें कि वीडियो बनाने का मकसद आपको बुरे कामों से रोकना है। तो ये तो हमारा भी है यार, रात रात भर पूरी मेहनत करने के बाद भी हमारी वीडियो आप बहुत कम लोग देख पाते हो। हाँ। तो आप लोग प्लीज शेयर करो। हाँ। जो देखता हम, मतलब हमें देखो, खांसी हो रही है, इनको भी जुकाम है, कोल्ड है, बट फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते कि सुबह वीडियो नहीं गई है, शाम को वीडियो नहीं गई है। हम चाहते हैं कि वीडियो जाए रेगुलर हमारे थ्रू। हम भी आपको मैसेज देना क्योंकि यार हमें खांसी है सच में और मौसम चेंज हो रहा है, तो आप भी ध्यान रखिए अपना। बाकी वीडियो के बारे में ये अच्छी बात है कि
मतलब ये जो इन्होंने एंड में बोला कि हर धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर किसी का मन किसी के धर्म को अपनाने का कर रहा है तो वो उनकी मर्जी, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। मन से हो तो सब कुछ जायज है, सिंपल सी बात है। अगर बेमन हो या फिर आप जोर जबरदस्ती है किसी चीज की तो वो बिल्कुल कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। तो ये वाला भी बहुत ही अच्छा एग्री करते हैं, ये वाला भी देख लिया है कि काबे में जाके उसके साथ क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब बेसिकली ये है जो उनकी दुआ है वो पूरी हुई, पूरी हुई। बस ये था। अब दुआ डजंट मैटर भाई, वो कैसी दुआ है, भले मौत की हो बट उन्होंने जो दुआ है वो पूरी हुई, ये बात है, ठीक है, अच्छी है। बट ये हमने जो भी समझा, जो भी देखा कि हाँ, मतलब अगर आप किसी का धर्म अपनाना चाहते हो तो आप बेशक अपना सकते हो, पर आप सच्चे दिल से अपनाना चाहिए आपको। भले आप मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ रहे हो, हिंदू से मुस्लिम धर्म में जा रहे हो, डजंट मैटर। तो आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और यार देखो, हम सच में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट करके बताना हमें कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी है। शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, एंड मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।